देखो मेरे को तो कभी किसानों ने कहा नहीं कि आप हमारी तरफ से जाके मुख्यमंत्री जी से बात करो। मैंने फिर भी उनसे कहा है कि जो किसानों को चाहिए, जो देश के जवान को चाहिए, जो किसान को चाहिए, सर्वप्रथम इनकी मांग पूरी करनी चाहिए। कल आपके ऑफिस का घेराव किया किसानों ने, और आप सरकार के साथ हैं किसान के, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव भी रखा गया है। मैं कोई ढकोसला नहीं करता किसी औरों की तरह, ठीक है ना। मैंने सरकार को समर्थन दिया हुआ है तो दिया हुआ है, अभी मैंने छोड़ा नहीं है सरकार का समर्थन, वापस नहीं लिया है। हाँ, पर मैं हमेशा हक की बात करता हूँ और जायज़ बात करता हूँ कि अगर किसानों की मांग जायज़ है तो सरकार उसको तुरंत पूरा करे। आपको क्या लगता है कि किसानों की मांग जायज़ है कि नहीं? देखो ऐसा है कि इसमें अब बहुत तरह की बातें हो रही हैं, अलग 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 बातें, उन्हीं के नेता, उन्हीं के जो पक्षधर हैं वो बार बार बदल रहे हैं और अलग अलग बातें रख रहे हैं, और सरकार अपनी बात रख रही है। सरकार कह रही है कि हम सब कुछ मानने के लिए तैयार हैं, वो किसी और बात पे अड़े हुए हैं कि एक कानून जो सरकार ने बना दिया वो ख़त्म करे। सरकार अब मुझे लग रहा है ये सोच रही है कि आज हम इस कानून को ख़त्म करें तो जो अपने देश हित में कितने और कानून इस सरकार ने बनाए हैं वो लोग सभी जगह जगह टेंट लगा के बैठ जाएंगे, हमारे भी कानून ख़त्म करो। तो कोई कह सकते कि आप इसके साथ हैं? देखो बिल के साथ नहीं, मैं सच्चाई के साथ हूँ, मैं हक के साथ हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि जय जवान जय किसान। तो ये थे हमारे साथ गोपाल कांडा, जिन्होंने सीधे तौर पर किसानों के मुद्दे पर कोई बात करते हुए नजर नहीं आए। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी से उन्होंने अभी तक अपना समर्थन वापस नहीं लिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 10 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव वोटिंग होनी है उसमें गोपाल कांडा बीजेपी के साथ खड़े हैं। आपका इस पर क्या कहना है प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।